बेसिकली व्हाट आई बिलीव के काम चलता रहे, काम अच्छा हो और इतना कोऑपरेटिव एनवायरनमेंट होता है वहाँ पे. ड्यूरिंग शूटिंग आई कुड नॉट इवन टू सी कि मैं शूट कर रहा हूँ या मैं कहीं और किया, बिकॉज व्हाट आई क्योंकि मैंने एज एन एक्टर आई हैव डन टीवी आल्सो, सो आई डोंट फील अ डिफरेंस बिटवीन मीडियम, चाहे वो टीवी हो, चाहे फिल्म हो, चाहे एज अ व्हाटएवर द मीडियम इज. जिस हिसाब से ज़्यादा शूट करते हैं और जिस हिसाब से टेकिंग होती है, मुझे लगता नहीं कि मैं काम कर रहा हूँ. तो आई एम पब्लिश एंड आई एम वेरी ऑनर्ड के ग्रीसी ने मेरे पे ट्रस्ट किया फॉर द होल फिल्म. दादा ने बहुत अच्छा डायरेक्ट किया और रेस्ट इज ऑन ऑडियंस एंड गॉड, लेट्स सी. इंशाल्लाह. सो वुड यू लाइक टू से समथिंग फॉर अस? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर वैसे तो मैंने काफ़ी बड़े स्टार्स के साथ काम किया, केवल लेकिन दादा के साथ जो काम किया मैंने वो एक्सपीरियंस माइंड ब्लोइंग और अच्छा था. पागल कर दिया तुमने, इट्स अ वेरी यूनिक फिल्म, यूनिक स्टोरी. इसमें आपको सब कुछ मिलेगा, लाइक रोमांस, थ्रिलर, सस्पेंस, एक्शन और जो मेरा करेक्टर शशि का है, शशि जो है वो एक फनी का है और किसी को मारेगा भी तो एक स्टाइल मारेगा. अपोजिट टू मुक्का गॉड से का बॉयफ्रेंड का रोल प्ले कर रहा हूँ और अच्छी फिल्म है, आपको लाइक है, देखिए, इंशाल्लाह आपको बहुत मजा आएगा. थैंक यू सो मच. आप कुछ बोलना चाहेंगे आज का इवेंट के बारे में? सबसे पहली बात तो वाकई दादा ने सही कहा, इस फिल्म का म्यूजिक बहुत ही मेलोडियस है. ये गाना अभी आपने दो लाइन सुनाई, एक तो हट के लाइन है, आज की लाइन है और मेलोडियस जोरदार ताली आपके लिए. और दूसरा पागल कर दिया तूने, ये टाइटल है, ये सुपर हिट है. उसकी वजह कि एक सिर्फ फिल्म का टाइटल नहीं है, आज हिंदुस्तान का हर आदमी पीएम साहब से कह रहा है. और लेडीज एंड जेंटलमैन, ये प्रॉब्लम आते ही नहीं है, सो आई थिंक वी हैड फन एंड यू शुड आस्क द न्यू कमर्स हाउ दे इफ वी वर गुड इनफ हाउ दे हैव फेल्ट एक्चुअली वर्किंग विद. हां यस. देखिए एज पर द लास्ट इंटरव्यू आई सेड आल्सो अबाउट दिस थिंग दैट द लेडी हु इज जस्ट स्टैंडिंग बिसाइड्स मी इज वेरी कोऑपरेटिव एंड मुझे लगा ही नहीं कि कभी मैंने इनकी फिल्में स्टार्टिंग में देखी थी. और नो आई एम यंग ओनली, यू आर यंग ओनली, सो दैट नॉट दैट थिंग, बट ऑन सेट वेरी कोऑपरेटिव एंड वेरी सपोर्टिंग. मुझे इतने कम लोगों के साथ मौका मिलता है जहाँ मुझे एक्शन रिएक्शन मिलता है, इतना सपोर्ट मिलता है. तो एज़ पर द टीवी या और कोई फिल्म जो कर रखी है मैंने, उससे कहीं ना कहीं आपको अपना फील होता है अपनापना. और अगर देयर इज़ अ फ्रेंडली एनवायरमेंट वाइल शूटिंग तो 110% वी फील के यार वी आर मेकिंग फैमिली, वी आर नॉट मेकिंग फिल्म. बस 12 की का तो पता नहीं, बट बिग बॉस की एक्स कंटेस्टेंट के साथ फिल्म कर रहा हूँ मैं, जिसके भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आया हूँ. सो 12 से कोई उम्मीद नहीं है, बट हाँ शी माइट वॉच. नो आई डोंट वॉच बिग बॉस एट ऑल, आई एम सॉरी, बट मैं नहीं देखती. सबसे बड़ा शो है इंडियन टेलीविजन का, बट बहुत झगड़े करते हैं लोग, मुझे झगड़े देखना बिल्कुल पसंद नहीं है, सो सॉरी मैं नहीं. बेस्ट ऑफ लक टू ऑल द कंटेस्टेंट्स. क्या देखना नहीं पसंद? बिग बॉस नहीं, मैं बिग बॉस में नहीं लगे, आप कंफ्यूज हो गए सर. मैं कोई प्रोड्यूसर हूं, मैं सुधर के माइट बी बिकॉज़ ऑफ दैट. आजकल बिग बॉस में ऐसे लोग आ रहे हैं किसी को याद ही नहीं है कौन है कौन नहीं. इतना ही कहना चाहूँगी, प्लीज़ गो एंड वॉच दिस फिल्म इन थिएटर्स. और जैसे आपने हमेशा आपका प्यार हमें दिया है, इस बार भी दिया. दैट्स ऑल, थैंक यू. थैंक यू. मतलब एक्शन भी करेगा, फनी स्टाइल होगा उसका. और इसमें आई एम वेरी थैंकफुल टू मुग्धा, मेरी गर्लफ्रेंड का, मैं उनके बॉयफ्रेंड का रोल प्ले कर रहा हूँ. एंड बहुत अच्छी फिल्म है, बहुत अच्छी स्टोरी है,
और मैंने वैसे भी काफ़ी मल्टी स्टार के साथ काम किया है, पर मुग्धा जी के साथ काम करके काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस मिला है। तो मेरी यही गुजारिश है आपसे, प्लीज़ इस फिल्म को देखिए, बहुत अच्छी फिल्म है। तो मुग्धा जी ने नहीं, मैंने आपको पहले बताया कि मैं ऑलरेडी काम कर चुका हूँ नसीर साहब के साथ, जैकी श्रॉफ, यशपाल शर्मा, और मुग्धा जी शी इज़ अ वेरी फाइन एक्टर। मुग्धा जी का नेचर बहुत अच्छा है, कहीं पर से कोई डर नहीं था, बहुत ही कम्फर्टेबल मैंने फील किया है और काफ़ी अच्छा लगा है काम करके, काफ़ी सपोर्ट मिला है। आई थिंक द फिल्म इज़ वेरी गुड, आपको जाके देखना चाहिए थिएटर्स में। और मैं प्ले कर रही हूँ स्वीटी का कैरेक्टर, जो मतलब एक टीनेजर लड़की है और मेरे नेचर से काफ़ी मिलती जुलती है मेरा कैरेक्टर, सो आई प्लेड इट वेरी फाइनली। सो यू कैन गो एंड वॉच द फिल्म, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी नाइस। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम रियली सॉरी फॉर बीइंग लेट, एंड इसमें बोल्ड सीन्स कुछ नहीं होता है, सीन्स पिक्चर की डिमांड होते हैं, जैसी पिक्चर की स्टोरी है उस तरह के से थोड़े से सीन्स होते हैं, और इतना कुछ ज़्यादा बोल्ड सीन्स नहीं है, फैमिली ओरिएंटेड फिल्म है, आप लोग आराम से जाके फैमिली के साथ देख सकते हैं। और शूटिंग, फिल्म की शूटिंग बहुत अच्छी थी, इनफैक्ट हमारे प्रोड्यूसर जी बहुत अच्छे हैं, हमारे डायरेक्टर सर बहुत अच्छे, सभी कास्ट, एवरीबडी वाज वेरी नाइस। और यादें वही छोटी छोटी थी, जब स्टंट्स मुझे बहुत सारे करने थे इस फिल्म में, तो स्टंट्स करते करते बहुत बार मुझे चोट लग जाती थी और कुछ फनी यादें थी, इतना कुछ मुझे स्टंट। एक्चुअली मैंने मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग करी थी, और वैसे मैं मार्शल आर्ट ट्रेनर नहीं स्टूडेंट हूँ, उसके बाद मेरे को फ्रैक्चर हो गया था मेरे पैर में, बस उसकी वजह से थोड़ी। थैंक यू सो मच फॉर दैट कॉम्प्लीमेंट। और सबसे पहली बात है, क्योंकि फिल्म का म्यूज़िक बहुत अच्छा है, और हर फिल्म का अपना एक USP होता है, इस फिल्म का USP म्यूज़िक है, तो हमने यही आइडिया प्लान किया था कि एक ईरानियन कॉन्सर्ट किया जाए और उसके ज़रिए इस फिल्म को प्लेटफॉर्म दिया जाए। और इस प्लेटफॉर्म का जो फ़ायदा मिला हमें, लोगों ने इन्जॉय किया म्यूज़िक को, और म्यूज़िक के ऊपर फिर के जब उनको वो परफॉर्मेंस के बाद में हमने अपना चीज़ दिखाया, तो वही रिएक्शन था, वो रिएक्शन हमें देखना था, तो इस फिल्म को म्यूज़िक के ज़रिए हम प्रमोट करेंगे। डेफिनेटली मेरा आइडिया था, जब मुझे ऐसा लगा जब ये फिल्म मेरे पास आई, तो मैंने कहा कि कुछ ऐसा करते हैं जिसके लिए अट्रैक्शन हो म्यूज़िक के, इस ट्रेलर लॉन्च के लिए। तो हमने वसीम भाई के साथ बात की कि यार इस तरीके का प्रोग्राम है, तो उन्हें आइडिया पसंद आई, फिर हमने ये प्लान किया कि आज कॉन्सर्ट के ज़रिए इसका लॉन्च किया जाए।